यहाँ पर हमें प्रॉब्लम दे रखी है, लेट ए बी सी बी द पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू वन। तो हमको प्रूव करना है कि ए बी डिवाइडेड बाय ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 प्लस ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय बी की पावर 5 प्लस सी की पावर 5 प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय सी की पावर 5 प्लस ए की पावर 5 प्लस सी ए इज लेस देन इक्वल टू वन। तो ये हमको प्रूव करना है, इन तीनों का सम लेस देन इक्वल टू वन होगा। ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर दे रखे, तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? और ये हमको कंडीशन दे रखी है ए बी सी का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पर हमको एक चीज का था, एक चीज यहाँ पर ये करनी पड़ेगी ट्रिक, ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 ऑलवेज ग्रेटर देन दिस होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी। ये कैसा है? क्योंकि आप जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जो ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर वाली क्वांटिटी है वो तो पॉजिटिव है, यहाँ से ए माइनस बी मिला यहाँ से, और यहाँ से ए माइनस बी ए प्लस बी मिलेगा, वो ए प्लस बी पॉजिटिव होगा। और जो यहाँ से जो ए माइनस बी आएगा वो इसके ए माइनस बी से मल्टीप्लाई होकर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पूरी क्वांटिटी का जो मल्टीप्लिकेशन हो ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ से जब आप इसको खोलेंगे तो आपके पास ये आएगा। अब यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 की जगह ये कर रहे हैं। अगर हम डिनोमिनेटर यानी जो नीचे वाली क्वांटिटी को कम करेंगे तो ऑब्वियसली ऊपर ये जो पूरी क्वांटिटी है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे 5 डिवाइडेड बाय 2 है तो उसकी वैल्यू 2.5 है, अब 5 डिवाइडेड बाय 1 कर देंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या किया है, फिर यहाँ से ए बी कॉमन ले लेंगे, ऊपर के ए बी से कैंसिल कर देंगे और ये बच जाएगा। अब ये बच जाएगा और हमको ए बी सी का मल्टीप्लीकेशन 1 दे रखा था, तो हमने ऊपर ऊपर की जगह क्या कर दिया, वन की जगह एबीसी लिख दिया और इस वन की जगह भी एबीसी लिख दिया, और फिर ए बी कॉमन ले लिया तो यहाँ से एबीसी बच गया, और फिर इस ए बी को इससे कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे सी बच गया। तो ये हो गया तो लास्ट में, तो हमने यहाँ पे पहले ये किया, फिर यहाँ से ए बी कॉमन लिया कैंसिल किया, वन को एबीसी से रिप्लेस किया, फिर ए बी कॉमन लेके फिर कैंसिल करके लास्ट में ये बच गया, वैसे तीनों में बच जाएगा। और फिर इधर वाली क्वांटिटी का सम करेंगे और इधर वाली क्वांटिटी का सम करेंगे तो आपको जैसे यहाँ पर तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए बी सी बन जाएगा, जो कि 1 होगा। तो और ये इक्वलिटी कब ट्रू होगी, जब तीनों सेम होंगे। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेशन करना था, उसके बाद हो जाएगा।